लंदन में स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत में स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी पेश की गई, जिसमें एजेंट मजहर माजिद ने चार और पाकिस्तानी दिग्गजों से कनेक्शन की बात कही है। फिक्सिंग में एक और बड़ा खुलासा। पाक के दिग्गज खिलाड़ी भी लपेटे में। अकरम समेत चार खिलाड़ियों का नाम। कंगारुओं पर भी फिक्सिंग की आंच। अभी तक सिर्फ इन नापाक क्रिकेटरों को दागदार समझा जा रहा था, लेकिन सोमवार को लंदन की कोर्ट में फिक्सिंग का एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को हिला दिया। लंदन में फिक्सिंग मामले में चल रही सुनवाई में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब कोर्ट के सामने स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी रखी गई। और जब ये सीडी अदालत के सामने रखी गई तो चार और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम सामने आ गया। पहला नाम वसीम अकरम, दूसरा नाम वकार यूनुस, तीसरा नाम मोइन खान, चौथा नाम एजाज अहमद। जी हां, पाकिस्तानी क्रिकेट के ये चार दिग्गज भी फिक्सिंग के साए में आ गए हैं। यही नहीं, सीडी में खुद को जेंटलमैन कहने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम भी लपेटे में आ गई है। सीडी में माजिद ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सबसे बड़ा फिक्सर बताया है। और सोमवार को लंदन की अदालत में उस स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी पेश की गई। इस सीडी में मजहर मजीद ने चार और पाक सीनियर क्रिकेटरों पर फिक्सिंग का आरोप लगाया है। सीडी में माजिद को ये दावा करते हुए बताया गया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर लंबे समय से फिक्सिंग कर रहे हैं। मजीद के मुताबिक वसीम अकरम, वकार यूनुस और मोइन खान जैसे खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। हालांकि मजीद ने अभी केवल दावा ही किया है। उसके मुताबिक ये खिलाड़ी पूरे मैच के बजाय कुछ एक ओवरों को ही फिक्स करते थे। यही नहीं, इस ऑडियो सीडी में मजीद ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सबसे बड़े फिक्सर हैं। मजीद के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी 10-10 ओवर के ब्रैकेट में मैच को फिक्स करते हैं और हर मैच में करीब 10 ब्रैकेट को फिक्स करते हैं, यानी कुल मिलाकर अब तक 11 पाक क्रिकेटर फिक्सिंग के साए में आ गए। इससे पहले मजीद ने सात और खिलाड़ियों को जानने की बात कही थी। साथ ही क्रिकेट के हर फॉर्मेट को फिक्स करने के लिए अलग अलग रकम का भी खुलासा किया था। साफ है, जैसे जैसे फिक्सिंग की जांच आगे बढ़ रही है, रोज बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये आंच किस किस को लपेटे में लेती है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज 24।